अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं अपने बेकिंग की फर्स्ट वीडियो। तो हमने सोचा क्यों ना आपकी बेकिंग की फर्स्ट वीडियो सिंपल केक से स्टार्ट करें। सो हम बनाएंगे जा रहे हैं सिंपल केक। सो लेट्स स्टार्ट इट। जी, तो यहाँ पे हमने लिए हैं 2 eggs, 1/2 cup घी, आप इसकी जगह बटर भी ले सकते हैं, 1 cup शुगर, 1 cup फ्लोर यानी मैदा, 1 teaspoon बेकिंग पाउडर एंड 1/2 teaspoon बेकिंग सोडा, पिंच ऑफ सॉल्ट एंड 1 cup मिल्क। जी, तो यहाँ पे हम सबसे पहले eggs डालेंगे और फिर शुगर डालेंगे। शुगर के बाद हम घी डालेंगे। आपको मैंने जैसे कि कहा, हमने 1/2 cup घी डाल दिया। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जी, तो यहाँ पे हमने अपने मिक्सर को बीट कर लिया है अच्छी तरह से। अब हम इसमें अपना फ्लोर डालेंगे। अब बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एंड पिंच ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इससे थोड़ा सा टेस्ट भी ऐड होता है। आप वनीला एसेंस ऐड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमने नहीं किया क्योंकि हमें पसंद नहीं। कुछ लोग तो इतना ज़्यादा डाल देते हैं, टीस्पून भर भर के डालते हैं लोग, पता नहीं किस तरह खा लेते होंगे। जी, तो यहाँ पर हमारा मिक्सर रेडी हो चुका है। हमने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से बीट कर लिया है। बीट करने की वजह से बहुत स्मूथ हो गया है। हाँ जी, और आपने भी इसको बहुत अच्छे तरीके से बीट करना है क्योंकि जो हमने इसमें चीनी डाली थी वो बेक जब केक होता है तो सारी चीनी नीचे बैठ जाती है और वो बहुत बुरा लगता है, इसलिए आपने भी इसको अच्छी तरह से बीट करना है। अब यहाँ पर हमारे पास है एक मोल्ड और ऑयल। अब हमने मोल्ड को ग्रीस करना है। ग्रीस हम इसलिए करेंगे ताकि जो जब केक बेक होता है तो केक उसके साथ चिपक जाता है, तो ग्रीस करने की वजह से ही नहीं चिपकेगा। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर भी लगा सकते हैं। हमें ज़रूरत नहीं इसलिए हम नहीं लगाएंगे। जी, तो यहाँ पे ग्रीस हो चुका है। अब हमारे पास जो बैटर है हम वो डालेंगे। हमने इसमें वनीला एसेंस ऐड नहीं किया क्योंकि हमें पसंद नहीं है। अगर आप लोगों को पसंद है तो आप ऐड कर लें। चलो, तो ये हमने निकाल लिया। अब हम इसको 180 डिग्री सेल्सियस पे बेक करेंगे 55 मिनट्स के लिए। जी, तो यहाँ पे हमारा केक रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं एक बहुत ही स्पंजी केक बना है। आप सोच रहे होंगे कि हमने इसको बड़े मोल्ड में डाला था पर बना ये केक छोटा। तो हुआ असल में ये था कि जो हम जिस मोल्ड में हमने डाला था उस मोल्ड में बैटर हमारा लीक हो रहा था, तो हमने इसलिए दूसरे मोल्ड में डाल दिया और ये छोटा बना है। तो अब हम इसकी टॉपिंग करेंगे पोमेग्रेनेट सिरप से, जो हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बनाना सिखाया था। और आप देख सकते हैं कि केक में स्मॉल होल्स हैं जिनकी वजह से सिरप बहुत अच्छी तरह से अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। जी, तो अब हम इसके ऊपर ये पोमेग्रेनेट सिरप डाल रहे हैं। आप लोग अपनी किसी भी फेवरेट चीज़ डाल सकते हैं, व्हिपिंग क्रीम या फिर चॉकलेट सिरप। आप इसके ऊपर ड्राई फ्रूट भी बाद में डाल सकते हैं। जी, तो यहाँ पे हमारा केक रेडी हो चुका है। ये तो बहुत हाली हाली लग रहा है, इसके ऊपर कुछ और ना लगा लें। हाँ, ये लो बनानास। बनानास इनकी टॉपिंग करते हैं अब हम। अब आप लोग इस पे कुछ भी लगा सकते हैं, जिस तरह ड्राई फ्रूट, स्ट्रॉबेरीज, एप्पल वगैरह वगैरह, जो भी हो आपके पास। यहाँ पे हम पूरे बनानास इसके राउंड में लगा देंगे, ये पूरा बनाना से भर जाएगा। ये लो हमारे बनाना हमने लगा लिए और कुछ बनाने बच गया, खा लेंगे बाद। जी, तो यहाँ पे हमारा केक रेडी हो चुका है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।